यार मतलब क्या कमी रह गई थी यार, जितना कुछ करा था यार इतना कुछ तो कर दिया तेरे लिए यार। मतलब यार प्लीज अनब्लॉक कर देना, बात कर ले यार, यार प्लीज। अच्छा तो क्या बात क्या हुई थी? बात कुछ नहीं हुई, कहते हैं जब हम साथ थे तो बातें थी दो, अलग हुए बातें हुई तीन। एक वो जो उसको पता थी, एक वो जो मुझे पता थी, एक वो जो हम दोनों साथ बैठ जाते तो हम दोनों को ही पता चल जाते। तो बात तो पता ही नहीं क्या हुई। काफी प्यार में धोखा खाया लगता है। कहते हैं जी इंसान प्यार में धोखा खाता है। प्यार छोटी चीज नहीं है, प्यार ने तो महादेव को रुला दिया, प्यार ने कृष्ण को रुला दिया, प्यार ने विष्णु को रुला दिया, तो हम तो फिर भी एक मामूली से इंसान हैं। क्या क्या किया था उसके लिए आपने? क्या क्या किया था कुछ नहीं होता, सवाल ये था कि क्या इन्वेस्ट किया, समय, वक्त, ट्रस्ट, अपनापन, अपने लोग, सारे रिश्ते छोड़ दिए, सारा दोस्त छोड़ दिए, सारा कुछ छोड़ दिया, सिर्फ एक कमरे को अपनी दुनिया बना दी। तो इतना सब कुछ कर कर अगर सिर्फ एक इंसान पाने की चाह हो और वो भी ना मिले तो उसके बाद तो फिर मौत प्यारी लगती है। तो ये कह सकते हैं। तो आप अभी आप पेशे से करते क्या काम करते हैं? एक्चुअली मेरा केडी प्रोडक्शंस करके प्रोडक्शन हाउस है जिसके लिए मैं दो शोज करवा चुकी हूँ और तीसरा अभी मेरे बर्थडे के बाद मैं एक सॉन्ग लॉन्च करने वाली हूँ, काफ़ी अच्छे लेवल का सॉन्ग होगा वो जी। उसके अलावा मैं समाज सेवी हूँ, उसके अलावा बंगला मुखी माता तख्त की एक गद्दी मेरे पास है, उसके अलावा अभी कुछ इंटरेस्ट है जो सरप्राइज रहेगा अगर ज़िंदगी रही तो, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपको दिखूंगी जहाँ इस समाज से तो अभी तक कोई नहीं पहुँच पाया। ज़िंदगी रही क्या मतलब? कुछ समस्याएँ हैं आपको सेहत संबंधी? मुझे ब्रेन ट्यूमर है लास्ट स्टेज, मेरा थर्ड का फोर्थ स्टेज चल रहा है, तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं। ये नहीं बोलूँगी हार गई हूँ, पर आज के वक्त में जो चीज़ें देख रही हूँ वो चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि पता नहीं चलता कि लकीरें भी हाथ की कब छिन जाए, तो ये तो फिर भी जान है। आपके एक्स को पता है ये बात कि आपकी ब्रेन ट्यूमर की लास्ट स्टेज है? उन्हें पता थी ये बात, फिर भी तरस नहीं है उनको? कहते हैं जब दिल से उतर जाए तो फिर इंसान कब्र में उतर जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता कई लोगों को, शायद उसकी मेंटेलिटी वैसी हो रखी है इस टाइम, क्योंकि आखिरी वक्त की बातों में उसने यही कहा था कि तू कब्र में भी उतर जाए तो मेरे आंसू ना निकले और मेरी बद्दुआ आए कि तू बहुत गंदी मौत मरे। मैं हाथ जोड़ के उसके माता पिता से माफ़ी मांगती हूँ, पहली चीज़ कि मैंने उसके माता पिता के साथ गुस्से में जो बोला जो किया। दूसरी चीज़ कि वापस आ जा, बैठ कर बातें क्लियर होती हैं, क्योंकि इतना तो मैं भी जानती हूँ कि भागना तो तू नहीं चाहता था, तो भागने से कुछ नहीं होगा, कब तक भागेगा, आखिरकार आना यहीं पड़ेगा ना, तो प्लीज़ वापस आ जा, शायद मुझे भी तेरी ज़रूरत है, तेरे परिवार को भी तेरी ज़रूरत है, तेरे काम को भी तेरी ज़रूरत है, तेरे प्रोडक्शन हाउस केडी प्रोडक्शन कायरव दीपक को भी तेरी ज़रूरत है। बोलूँ तो आखिरी इच्छा तो मेरी उसको पता थी क्या थी, पर शायद आज वो इच्छा बदल गई हो। आज मेरी आखिरी इच्छा हो तो ये हो कि जो कमाया, जो पाया, जो नाम है, जो वजूद है, वो सब तेरा था, आज तो वो सब छोड़ कर चला गया है, पता नहीं कहाँ है, या मुझे वो भी पता है तू कहाँ है। मैं खुद आने की हिम्मत वहाँ इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ आकर बात बिगड़ेगी, क्योंकि तू भी गुस्से में है और शायद मैं वहाँ आकर कुछ ऐसा देख लूँ कि मैं भी गुस्से में आ जाऊँ, तो सब कुछ भूल कर वो वापस आए, जो उसके लिए किया था वो अपनी चीज़ें संभाले। पैसों के लिए भी आपको चुना लगा है, कितने पैसों का लगा दिया होगा आपने? पैसों का चुना नहीं कह सकती मैं उसे, पहली बात। देखो मैं इतना कह सकती हूँ अगर पैसे की बात की जाए तो वो पैसा इतना था कि एक आदमी अपना बिजनेस बना सकता है, अगर बिजनेस भी छोड़ा जाए पाँच लोगों के रहने के लिए बढ़िया घर बन सकता है, इतना पैसा था वो। पर पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा देना मेरी मर्जी थी, मेरी चॉइस थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि पैसे से शायद खुशियाँ खरीदी जाती है, मैं उसकी खुशियाँ खरीद रही थी।